हेलो नमस्ते जय जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप मन के अपन छत्तीसगढ़ी चैनल सीजी ब्लॉग्स में। और मैं जागृति आप मन के बहुत बहुत स्वागत करत हूँ संगवारी हो, अभिनंदन करत हूँ सीजी ब्लॉग्स में। तो संगवारी हो, आज के ब्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और शुरू से लेके अंत तक जरूर देखो संगवारी हो, ताकि आप मन कोई चीज़ मिस मत करो। और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, मुझसे बहुत पहले बहुत जन मन पूछे रही इसे, तो ओकरे पर मैं आज वीडियो बनाता हूँ। और हाँ संगवारी हो, अगर नया संगवारी मन हो तो जल्दी से चैनल ला सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगे तो आज के चैनल ला लाइक कर दो वीडियो ला, और कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो कैसे लगे। तो संगवारी हो, चलो बिना देर किए हमन वीडियो में आगे बढ़ो। और ओकर से पहले संगवारी हो, बहुत बहुत धन्यवाद जेन मो ट्राइबल एरिया के स्कूल के बच्चा मन की वीडियो ला अपन इतना पसंद करे हो, रील ला भी पसंद कर रहा था। और उमें एक कोई भाई मोला कमेंट करे रही से कोई सर है कि ये सब करते हो तो दिखाते क्यों हो, बच्चे लोग को पढ़ाने में ज़्यादा टाइम दिया करो, मतलब बच्चे को पढ़ाते टाइम वीडियो मत बनाया करो करके। तो छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मतलब बता दो संगवारी हो, हमर मन के 5 से 6 घंटा के स्कूल टाइम रही थे, उनमें से 3 से 4 मिनट के बस मोर शूटिंग रही थे, वो भी जब शॉर्ट ब्रेक होते तो टिफिन के टाइम होते या फिर छुट्टी से पहली के वो सब शूट रही थे। क्लास टाइम में ना ही मैं काकरो फ़ोन अटेंड कराऊँ और ना ही वीडियो शूट कराऊँ। और मोर वीडियो बनाए के एक और केवल एक उद्देश्य है कि आप मन बैठ के देख सको कि बच्चा मन की कितना हालात रही थे ट्रैवल स्कूल में, कैसे पढ़ाई होते, और आप मन जान सको कि स्कूल की कंडीशन कैसे रही थे, छत्तीसगढ़ में कैसे पढ़ाई होते। बस ओकरे लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। और बच्चा मन के साथ में वीडियो में बस नहीं, हकीकत में भी दिन भर फ्रेंडली खेलत कूदत रहता हूँ, खेल खेल में उमल सिखाता हूँ। तो ये तुरी से संगवारी हो ये सवाल के जवाब। तो ऐसे मत सोचो कि बच्चा मन के पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस होते, नया नया तरीका से मैं पढ़ाई की कोशिश करता हूँ। तो चलो बिना देर किए वीडियो ला शुरुआत करता हूँ संगवारी हो। तो आज के वीडियो के टॉपिक है कि मोर जब नौकरी लगी तब ये घोर नक्सल क्षेत्र से, तो ये ला नक्सल बेल्ट के नाम से कोयलीबेड़ा ब्लॉक ला जाने जाते, आप मन सर्च करके भी देख सकते हो। कोयलीबेड़ा ब्लॉक बोले से ही नक्सल बेल्ट माने जाते ये क्षेत्र है। तो फिर अब मोर तो 2011 में नौकरी लग गई संगवारी हो, तो वो टाइम थोड़ा बहुत ऊपर मन के हरकत रही से, तो मिले हों कि नहीं मिले हों, देखे हों कि नहीं, वो सब मैं वीडियो में बताऊँ। तो चलो संगवारी हो, आज के ब्लॉग ला शुरुआत करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रही हो, वो बहुत मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग स्टोरी आप मन ला सुने बर मिल ही। मैं आज कंफ्यूज रही हूँ संगवारी हो कि मैं अभी का है अपन सक्सेस जर्नी पे वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा डिमांड है आप मन के कि मोर नौकरी कैसे लेगी और काका पढ़ाई करे हो, काका हो इस मोर साथ। तो ओकर से पहली सबसे पहली मैं बताऊँ आप मल्ला कि मैं नौकरी से पहली का करूँ, तो पेट्रोल पंप में मैं नौकरी करूँ कैसे का करूँ, के बाद कैसे नौकरी लगी से मतलब मैं कल के वीडियो में बताऊँ। तो आज हम देखो कि मैं का नक्सली मन से मिले रही हूँ, तो चलो स्टार्ट कर हम। तो संगवारी हो, जब मोर 2011 में ड्यूटी लगी और मैं जब बस में सफ़र करके आते रहूँ ज्वाइनिंग लेबर, तो मोर बगल में एक अंतागढ़ के मैडम मिले रही से, अंतागढ़ के नाम तो आप सब जम्मू संगवारी मन सुने हो। तो ओला में पूछे हो कि मैडम इधर का हालात कैसा है, काबर कि मैं जब से बस में सफ़र करत करत आत रही हूँ ना, तो BSF वाले मतलब मैं हमेशा आत रास्ता में देखत रही हूँ। तो और घर वाले मतलब डर भी रही से, उमन तो चाहते नहीं रही से कि मैं ये क्षेत्र में ड्यूटी कराऊँ, काबर कि सब जानत रही नक्सल बेल्ट हरे, गाड़ी लौड़ा दे थे, रोड लौड़ा दे थे, तो बहुत ज़्यादा डरे हुए रही से। मोर दीदी मन तो बिल्कुल भी नहीं चाहत रही से कि मैं क्षेत्र में ड्यूटी कराऊँ करके, लेकिन मोर जिद रही से कि मैं एकदम घोर आदिवासी क्षेत्र में पहुँचाऊँ और वहाँ के बच्चा मल्ला खेल में शिक्षा दूँ। शिक्षक बने के मोर कोई उद्देश्य नहीं रही से, बस मोला टीचिंग जॉब के सहारा मैं बच्चा मन तक खेल पहुँचाना चाहत रही हूँ, काबर कि मैं खुद एक खिलाड़ी रही हूँ, बहुत से वीडियो में आप मल्ला पता है। तो फिर जब मैं आत रही हूँ ना, तो वो मैडम मिली मोला संगवारी हो, तो मैं पूछे हूँ तो मुझे बताई सी कि मैडम देखो हमारे गांव में फायरिंग वगैरह होता है, तो उन लोग हमको पहले ही बोल देते हैं कि मैडम स्कूल को बंद करके चले जाइए, यहाँ फायरिंग वगैरह होने वाला है करके, तो हमन स्कूल बंद कर था और चल देते हैं। तो मुला ये थोड़ा सा अतिशोक्ति टाइप की लगी, इसमें बोले सच में मैडम, और लेकिन उन लोग तो बहुत क्रूर होते होंगे। तब वो दिन मुझे बताई कि नहीं मैडम आप गलत सोच रहे हैं, कि उन लोग कई बार बीच बीच में आके पूछते हैं कि मैडम चावल वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है गांव में करके,
तो मैं थोड़ा सा फिर भी एकदम सक पका रहे हूँ, थोड़ा सा डरा रहे हैं हम। और जैसे तैसे मैं ज्वाइनिंग ले हूँ, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मोला कोई उसना नचली वारदात नहीं दिखी से। बट बीच बीच में पता चलत रहा है, जब मैं स्कूल जाऊँ ना तो 15 अगस्त से पहली लाल लाल बैनर पड़े रहा है। और एक दिन इंटरेस्ट ऐसे रुक के मैं पढ़े हो भी, तो टूटी फूटी शब्दों में कुकरमन के लाल लाल बैनर में कुछ कुछ लिखाए रहा है। और वो भी स्कूल जाए के रास्ता में, कभी पॉम्पलेट मिला है उमे लिखाए रहा है कि काकरो विरोध करना है तो ऐसे कुछ कुछ लिखाए रहा है। तो वो सब मैं देखा हूँ, लेकिन सोचा हूँ घात बार तो दिखतीज करके। तो उमन का है जनरली सिविल ड्रेस में रही थे, और मार्केट भी आए घूमे भी, लेकिन हमला पता नहीं चला। तो मैं कभी तो उतना मिल पाए नहीं रहे हूँ, लेकिन डर एक सती लगा है संगवारी हो कि पूरा ये क्षेत्र में BSF कैंप बिठाएगी सो टाइम। और आप मतलब रोड में एकदम पूरा रोड ए रोड जंगल जंगल में आप मतलब BSF के धाकड़ धाकड़ BSF वाले मन दिखती, फौजी मन दिखती, शुक्र मन पास पूरा गन वगैरह रहा है, और जिनमें एम्बूस वगैरह सर्च करते ना वो सब लोग पकड़ के सर्चिंग करत रहा है। तो थोड़ा से डर तो लगा है, फिर इसे करत करत तो कभी उसने दिखीस नहीं है। फिर हमर मन के बारी है स्टार्टिंग के, बताता हूँ इंडक्शन ट्रेनिंग हुई। इंडक्शन ट्रेनिंग ये होते संगवारी हो, जब हमर मन के नौकरी लगते हैं ना तो हमला 1 महीना के कैसे पढ़ाना है का का होते होकर पर 1 महीना के हमला ट्रेनिंग दिए जाते। तो वो होते इंडक्शन ट्रेनिंग, वो आवासीय रही थे। तो एक दिन टिफिन की छुट्टी हुई रही से ट्रेनिंग चले के बाद, फिर अचानक से एम्बुलेंस वुई 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 करत गुजरी से, तो एकदम हो हल्ला हो गए पूरा पखांजुर में। तो हमने पूछे कि का हो गए करके, तो कुछ लोग बाग मन बदेस कि हमारे पास के गांव से 2-3 किलोमीटर के गांव रही से शायद, तो वहां के सरपंच ला दादा दादा बोलते हो, मतलब मैं दादा वर्ड ही यूज करूँ, समझ जो हुआ अपन। तो दादा मन ना ओला मार दे रही से, तो वो एक पता करें कि काबर मारी से करके। तो बताइए कि गांव वाले मन ना ऊपर मन से शिकायत करे जिस दादा मन से कि ये जिन सरपंच है तेन हम मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते और हमने कर से बहुत प्रताड़ित हैं ऐसे करके। तो फिर बोलो मार दिए गए, बाद में पूछे कैसे कैसे हो सकते का, कोई भी ऊपर मन से बात कर सकते का करके। तो बताइए से कि हेल्प तो ले लूहू, फिर वो मन आप मन के हेल्प लेते ऐसे करके। तो वो दिन से कान चिपले, अरे भैया ना मिले के सोचना है ना देखे के सोचना है करके। लेकिन एक जिज्ञासा तो रही इसकी, कैसे राहत हुई सर मन से सुनन, जब मन पहली हमर से ज्वाइनिंग ले रही ना तेन मन बताए हमन ला कि एक बार वो मन पखांजूर से जात रही से, तो बीच रास्ता में ऊपर मन के गाड़ी ले रोक ली, उमन ला जरूरत रही से तो, और दिन भर बिठा के रखी और दिन भर यूज करे के बाद उमन ला गाड़ी भी वापस कर दीस करके। तो भी नहीं देख रहे हो, अब एडवेंचर तो यहाँ से शुरू होते। एक 121 नंबर के गांव बंगाली गांव में 3 साल ड्यूटी करे के बाद अतिशेष के लिस्ट निकली। तो उस वहाँ दो हमन प्राइमरी के टीचर मन अतिशेष हो गए। तो हमर मन के पोस्टिंग हुई जहाँ अभी पदस्थ हूँ घोड़ा गांव में, और एक सर के हुई से जुहरान मेहड़ा नामक एक बहुत अंदर के गाँव में। तो मोर ज्वाइनिंग से पहली ना हमन जुहरान मेहड़ा ज्वाइनिंग दिलाए अगेन हम मोर मित्र ला, और नाम नहीं बताऊँ मैं यहाँ। तो जब हमन वो गांव गए ना तो बहुत अंदर से संगवारी हो, तो वहाँ पहली बार मैं देखे रहे हूँ। तो जैसे वो गांव में पूछे ना और पूछे ना हमन क्या यही जुहरान मेहड़ा है, तो बस मतलब वहाँ के जिन दादी वादी मन रिस ना बस एकटक कोई बातचीत नहीं हमर से, या तो मन हिंदी समझिस नहीं हुई पूरा गुंडी भाषा चलते, तो कुछ जवाब नहीं देना। एक दो जन से फिर पूछे स्कूल कहाँ पर है और करके, तो कोई जवाब नहीं। जैसे तैसे संगवारी हो हमन स्कूल पहुँच गए, और वहाँ जब तक हमन ज्वाइनिंग दिलात रहे 2 से 3 जन भैया मन है लूंगी बस पहने एकदम सांवला सांवला दिखत रही से ऐसे हे बांधे पूरा ज्वाइनिंग होत ले रही से। और हमन ल पूछे लगे कि कहाँ से आए हो, किस रास्ते से आए हो, क्या करते हो पूरा ऐसे करके। वहाँ से उस दिन ज्वाइनिंग वगैरह दिला के आ गए, और बाद में पता चली संगवारी हो उमन जितना जन घेर के खड़े रहीस ना उमन दादा रही से, और वो गांव ही पूरा नक्सली वाला गांव रही से। और बाद में बहुत ज़्यादा दिल धक धक इतना ज़्यादा मतलब खुशी हुई इसकी बच के निकल गए करके। फिर संगवारी हो एक चीज़ देखे मैं यहाँ कि कभी भी ये क्षेत्र में आम जनता ला दादा मन कभी नुकसान नहीं पहुँचा है, केवल और केवल ऊपर मन के दुश्मनी आप मन समझ सकते हो शासन के नीति से, या तो फिर पुलिस जन मन है तेकर से रहे है, और भी बहुत सारे रीज़न है। काबर की
मैं तो नहीं बोल सका हूँ, फिर भी हल्का फुल्का बता दूँ। कभी कभी कुछ गांव वाले मन शोषण के शिकार होते, तो कभी कभी वो नाम से भी बन जाते, कई सो मूवी वगैरह में आप मन देखे हो। और या तो फिर गांव के मन जिन रही थे ते मन एक्चुअल में नहीं रहा है नक्सली, वो मतलब मुखबिर बनाए जाते और प्रेशर के चलते जबरन के फोटो लगा दिए जाते, तो मतलब मुखबिरी के काम कराए जाते। तो जिन गांव के जिन लड़की मन रही थे, जिन बच्चा मन रही थे, वो मन कभी भी नक्सली नहीं रहे संगवारी हो। जिन ला पुलिस मन पकड़ लेते और ओकर मन साथ पूछताछ होते, गलत भी होते, तो उनमें पुलिस के भी गलती नहीं रहा, काबर की ओकर मन के फोटो टांग दिए जा रही थे, तो ओकर मन साथ पूछताछ होते, वो मन ला शक के घेरा में लिए रही थे। तो वो जिन मुखबिर मन होते ना, तेन मन दोनों तरफ से पीसते संगवारी हो। तो ऐसे टाइप के कुछ कंडीशन रही थे, लेकिन कभी भी ना हमन लो उसना देखे पर मिली से, ना हम कोई उसना हादसा देखे हैं संगवारी हो। बस एक चीज देखे रहे हैं हम कि 3रा साल मतलब 11, 12, 13 2013 में जिन टाइम में 15 अगस्त के दिन ही अपन घर जाते रहे हूँ, तो यहाँ से सफर करत करत में 2 स्कूल में काला झंडा फहरे देखे रहे हूँ संगवारी हो। ये बात सत्य हरे। और काला झंडा मतलब कई बार स्कूल में जाके फहरा दिए जाते, तो इतना तो है कि जब मैं वो टाइम आया तो उतना डेवलप नहीं रही से, कुछ कुछ ऊपर मन के एक्टिविटी रही से तरफ, और लेकिन हमला तो कभी नुकसान नहीं पहुंची। हाँ, लेकिन आज के डेट में पूरा भय मुक्त वातावरण है। कोयली बेड़ा जिन गांव है तेन में आज भी BSF कैंप स्टार्टिंग से घुसे से पहली और जाए के बाद 2 से 3 बार वहां पर नोट होते, और वो तरफ तो शाम के बाद कोई चले भी नहीं, तो तरफ बहुत ज्यादा घटना हुआ है, घना घोर जंगल रही से। लेकिन मैं कोयली बेड़ा ब्लॉक तो हरे, लेकिन मैं पखांजूर क्षेत्र में ड्यूटी करता हूँ, तो वो टाइम रही से, लेकिन उतना हमारा दिक्कत नहीं हुई। और आज के डेट में तो शासन है जगह जगह BSF कैंप बैठा दे है, तो बहुत ज्यादा सुरक्षित है। मोर रहती रहती में वो टाइम में ले रहे हैं वो रिलायंस के मोबाइल रही से, रिलायंस के सिम रही से, तो मोर जानती में वो टाइम टावर लभी गिरा दे रही से, तो फिर रिलायंस बंद हो गए, तो केवल एक BSNL रही से। तो कुछ कुछ वारदात लो तो मैं अपना के सामने से देखे हों, और कुछ कुछ चीज़ इतना मतलब सेंसिटिव है कि मैं आप मतलब वो चीज़ ला शेयर नहीं कर सका हूँ। बस इतना है कि सुरक्षित हों, मोला ये क्षेत्र से बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर मोर बच्चा के बात नहीं रही तो मैं कभी भी ट्रांसफ़र कराना नहीं चाहूँ ये क्षेत्र से। वैसे तो ट्रांसफ़र नहीं हो सका संगवारी हो, काबर की मैं ट्राइबल में ड्यूटी करता हूँ, 5वीं अनुसूची वाला क्षेत्र है, तो ट्रांसफ़र तो हो नहीं सका। और लेकिन भरपूर प्यार मिली से क्षेत्र से, और बहुत ज़्यादा बंगाली मन बहुत सपोर्टिव होते, बहुत अच्छा होते। और पखांजूर के तो अपन आप में बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े इतिहास है संगवारी हो। अगर आप मन जानना चाहो ये क्षेत्र इतना छत्तीसगढ़ में फेमस काबर है, इतना बंगाली काबर है, तो यहाँ के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊँ, काबर की पखांजूर बहुत ज़्यादा फेमस है, मिनी बंगाल भी बोले जाते हैं। और यहाँ के मन कैसे प्रोग्रेस करी आए के बाद, परिवार मन ला जब रिफ्यूजी मन ला लाए रही, सोकर बारे में भी बताऊं। तो बस इतना ही रही से संगवारी हो। बाकी आप मन कमेंट करके बताओ मोर सक्सेस स्टोरी, जानना चाहता हूँ कि नहीं कि मोर कैसे नौकरी लगे, तो जितना ज़्यादा अगर कमेंट आई तो मैं आप मन ला जरूर बताऊँ। बहुत एडवेंचर भरे कहानी है मोर, तो आप मन ला जान के बहुत ही अच्छा लगी और दुख भी लगी, कब कि मैं बहुत स्ट्रगल झेले हों, ऐसे ऐसे क्षेत्र में झेले हों कि आप मन सुन के ना आप मन के क्या बताऊँ, मतलब रुआ खड़े हो जाए कि ऐसे चीज़ में भी झेल के मैं आगे बढ़े हूँ, मोर नौकरी लगे और आज मैं ये जगह में हूँ कि मोर पास गाड़ी है, घर है, हर चीज़ है, मोर अपन बोले पर अपन दम पे जीत हूँ और दूसर मन के हेल्प कर पाता हूँ। तो वो सब चीज़ ला मैं ज़रूर बताऊँ संगवारी हो। और लास्ट चीज़ बताऊँ, एक इंसिडेंस ला बताऊँ, 2 मिनट थोड़ा सा पानी पी हूँ। सबसे पहले तो बता दूं, अभी रात के 11 बजे थे, अब आप मन सोचो रात के 11 बजे सज धज के बैठ के दीदी वीडियो बनाते करके, तो वो एकर सती बनाता हूँ कि बहुत जन कमेंट करते थे आदिवासी टाइप रहता हूँ कुछ भी वीडियो बनाता हूँ करके, तो मैं सोचो चलो थोड़ा से तैयार हो जाता हूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं है, तो बस सिंपल जैसे भी मैं तैयार हो जाता हूँ वीडियो बनाता हूँ करके। तो चलो लास्ट चीज़ ला मैं बताता हूँ, फिर वीडियो ले एंड करूँ संगवारी को। मैं आते हूँ छुट्टी से, गर्मी छुट्टी के बाद से यहाँ पखांजूर। अब गाड़ी ला 2 से 3 जगह पहली रोका है संगवारी हो, बहुत चेकिंग हुआ है BSF वाले मन के, मतलब पखांजू रात आज 2 से 3 जगह ना तो पूरा गाड़ी ला रोके BSF वाले मन चेक करे, काबर की कुछ ना कुछ सूचना मिले रहे। तो आप मन यकीन नहीं करो, मोर हाइट से आधा मतलब यहाँ हाइट तक वाला बहुत बड़े कुत्ता, जेकर मुड़ी से तक बढ़ रही से, ऐसे थोथुआ टाइप के दाल लुथरे नहीं रहे थे गाल वगैरह, तो वो रही से पुलिसिया कुत्ता।
तो अब पूरा सुंग 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 के चेकिंग हो त्रि संगवारी हो बस में। तो अब वो कुकुर काकरो कर नहीं रुकी संगवारी हो, मोरे जगह आके ना मोला सुंग है, मोर बैग ले सुंग है। तो मोला BSF वाले अंकल बोलते, मैडम क्या है आपके बैग में, कुछ लेके जा रहे हो? ऐसे करके जानबूझ के ड्राइवर तुम एकदम कांप गए हो, मोर आंख से आंसू, मेरे पास कुछ नहीं है सर, मैं मैडम हूँ करके। फिर अरे 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 बेटा आप तो टेंशन में आ गई, डरो मत ये ऐसी करता है करके। लेकिन मोर लाइफ के सबसे डरावना दिन रही से काबर की पता रही से चेकिंग होते करके और कुत्ता ना कहीं ना जाके मोरे पास आके रुक गए रही संगवारी हो। तो ये लास्ट चीज है रे। तो कमेंट करके बताओ आज के ब्लॉग आप मतलब कैसे लगी, और वीडियो अच्छा लगी सो ही तो सब्सक्राइब कर दो, और भी मोर ये क्षेत्र के जानकारी चाहिए हुई तो कमेंट करके जरूर बताऊँ। और बहुत बहुत धन्यवाद संगवारी हो, आप मन के जितना भी प्यार मिला थे, जितना जन भी मोर वीडियो देखते हो तीन मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बोला था कमेंट के जवाब में नहीं दे पाऊँ, बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ ड्यूटी पानी में, तो संगवारी होकर लिए क्षमा चाहूँ। वीडियो के माध्यम से आप सब जन के जवाब देता हूँ कि आप मन के कमेंट में पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जम्मू संगवारी मल्ला धन्यवाद। तो संगवारी हो मिलूँ आप मन से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय जोहार, जय भारत माता, जय छत्तीसगढ़, शुभ रात्रि।